ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक करेंगे खबरों का। देश में लाउडस्पीकर पर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर अजान किए जाने की याचिका खारिज कर दी। देश में लाउडस्पीकर को लेकर चल रही बहस के बीच हाईकोर्ट का यह आदेश अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बुधवार की बेंच ने यह फैसला दिया। दरअसल इरफान नामक शख्स ने याचिका दायर की थी। इरफान ने लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने की मांग के साथ अपने इलाके के एसडीएम से अनुमति मांगी थी। एसडीएम ने अनुमति नहीं एसडीएम की अनुमति नहीं मिलने से इरफान ने ये याचिका कोर्ट में दायर की थी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दो साल बाद एक बार फिर केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6:25 पर खोले गए। इस मौके पर मंदिर परिसर को पूरी तरह फूलों से सजाया गया। मंदिर का पट खुलने के साथ ही अब श्रद्धालु नियमानुसार पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने से पहले ही पूजा अर्चना करने के लिए गुरुवार को केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा के धाम के कपाट खोले गए तो भक्तों के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदारनाथ मंदिर में विराजमान की गई। मंदिर में सबसे पहले पीएम मोदी के नाम से पूजा अर्चना की गई। पुजारियों और वेद पाठियों ने गर्भगृह की साफ सफाई कर भोग लगाया। फिर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान केदारनाथ धाम के रावल भीमा शंकर लिंग और सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीकेटीसी के सदस्य भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विधि विधान से पूजा की और बाबा का आशीर्वाद लिया।